देख लेंगे, 4 जून को देख लेंगे। देखिए, एक हुकुमशाह होने से अच्छा है इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है, एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, तानाशाह बन गया। उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहां बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है, हम 4 बनाएंगे एक साल में, 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। दो फेस में मोदी जी हार रहे हैं। जब 4 जून को ईवीएम खुलेगी तो आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस 300 पार कर रही है, देख लेंगे 4 जून को देख लेंगे। देखिए, एक हुकुमशाह होने से अच्छा है इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है, एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, तानाशाह बन गया। उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहां बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है, हम 4 बनाएंगे एक साल में, 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। दो फेस में मोदी जी हार रहे हैं। जब 4 जून को ईवीएम खुलेगी तो आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस 300 पार कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।